फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल स्किल्स के, बिना किसी पेड ऐप के, ना बिना किसी फोटोशॉप के, बिना किसी की हेल्प लिए। इस ऐप में जो इस ऐप के बारे में आपको बता रहा हूँ, उस ऐप का नाम है फोटोलैब। फोटोलैब क्या करता है, अगर आप कोई भी फोटो उसमें अपलोड करते हैं, उसको आपको पहले प्रीव्यू दिखा देता है कि आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आपने कोई भी फोटो उसमें अपलोड करी तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वो दो या तीन स्टेप्स लेता है, ज़्यादा ज़्यादा 15-20 सेकंड लेगा, उसमें आपके अपने फोटो को एडिट करके दे देगा, जो कि आपको प्रीव्यू में दिखा चुका होता है कि आपको कैसी फोटो आपको मिलेगी एडिट होने के बाद। तो ऐसे उसमें लाखों सैंपल्स है जिस तरह जिनसे आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। और जो मैंने आपने थंबनेल लगाया हुआ है, वो थंबनेल भी फोटोलैब से ही एडिट किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फोटोलैब कैसे काम करती है और कहाँ से आपको वो फोटोलैब मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to channel and press the bell icon for the latest update. तो इस तरह से आपको सबसे पहले जाना अपने प्ले स्टोर के अंदर। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद, ये मैंने प्ले स्टोर अपना ओपन किया, इसमें आपको टाइप करना है फोटोलैब। फोटोलैब ही वो है जिसके थ्रू अपन अपनी वीडियो को, फोटो को बेहतरीन तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद में इसके अंदर जो भी एडिशनल फीचर होंगे वो भी आ जाएंगे। तो ये मैंने एडिट किया, अपडेट किया, अपडेट हो रहा है और ये मेरा अपडेट हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ अपने फ़ोन में डायरेक्टली। तो ये मैंने फोटोलैब ओपन कर लिया। तो इस फोटोलैब में अब आप देखेंगे कि बहुत सारे सैंपल हमें देखने को मिलेंगे, कि ये कोई भी हम फोटो एडिट करेंगे उसका प्रीव्यू हमें दिखा रहा है। तो देख लीजिए इस तरह से ये सारे प्रीव्यू है कि हम अपने नॉर्मल फ़ोटो को लेके कैसे हम अपने इसको एडिट करना चाहेंगे, किस फोटो एडिट के अंदर। तो ये अभी 3-4 सैंपल है। अब ये जो है, ये है गोप्रो का, ये चार्जेबल है। जब इसमें दो, जैसे इसका प्रीव्यू दिखा रखा है दो फोटो, इसके बाद में ये एक करके इसको दोनों को मर्ज कर देगा। तब जैसे ये जीप के सामने गर्ल्स है, इसको हम एडिट करते हैं क्योंकि ये सही दिखेगा। अब मैं अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी पूरी फ़ोटो आ रही है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में मेरे को वेट करना है। देखिए, मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग लेगा 4 स्टेप्स के अंदर। जैसे ये 4 स्टेप्स होंगे, मेरी फ़ोटो एडिट होकर निकल के आ जाएगी। जो भी मैंने प्रीव्यू में देखा था, का जीप के आगे मेरी फ़ोटो एडिट हो जाएगी। तो देखिए, जैसे प्रोसेसिंग हो गए 4, अब ये मेरा रिज़ल्ट आउट होने वाला है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बस आप बने रहिए और देखिए कैसे आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना किसी काट छाट के। अभी यार ज़्यादा मेकअप वगैरह हो गया, तो ये देखिए बस ये होने वाला है। और इससे आप अब कोई सी फ़ोटो आप अपडेट कर, अब ये देखिए कितनी शानदार फ़ोटो एडिट हुई है। अब इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। इसको बैक किया और ये फ़ोटो इमेज सेव हो गया है। इसी तरह से बैक करते हैं, इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं। इसमें सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये फेस के ऊपर ये है। तो अभी नीचे शायद नेट स्लो चल रहा है, इसलिए मैं आपको दूसरा शो करके दिखाता हूँ। दूसरा लेंगे ट्रेन वाला, जो ये लड़के वाला है, इसको लेते हैं। इसमें भी सेम वही फ़ोटो एडिट करता हूँ मैं। तो इस फ़ोटो को मैं वापस लेता हूँ। ये देख लीजिए इसका प्रीव्यू ऐसा है और आफ्टर एडिट के बाद में ऐसा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी पुरानी फ़ोटो को, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब देख लीजिए इसके अंदर सिर्फ ओनली टू स्टेप्स के अंदर ये फ़ोटो एडिट होके आ जाएगी। अब मेरे को इस ये 4 स्टेप्स वाला वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये देख लीजिए एडिट हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है। अब ये मेरा रिज़ल्ट आने वाला है एक तरह से। तो इस तरह से आप अपनी फ़ोटो को बेहतरीन बना सकते हैं। ये मेरे को प्रोसेसिंग इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा नेट इधर फास्ट स्लो चल रहा है जियो का। आप तो जानते हैं जियो ने भी अपनी स्पीड बिगाड़ दी है। अब तो बस ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है और ये मेरा फ़ोटो एडिट होके आ गया है। तो देख लीजिए आप किस तरह से इस फ़ोटो को आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप और सब्सक्राइब करते हैं तो उसके नीचे एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।
तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय।